सब ठीक है ना? हाँ दादा, थोड़ी सी टेंशन है लेकिन सब ठीक है ना? हाँ, थोड़ी सी टेंशन है लेकिन ठीक है, दोनों में से एक बोल, टेंशन है कि ठीक है? दादा वो ऐसे नहीं बता पाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए, आपको बताता हूँ। चलो हाँ, आइए आइए मेरे साथ दादा। क्या है बोलो दादा? थोड़ी सी टेंशन ये हो गई है कि जब से आपने ये महाकसौटी बीच में ला ली है, कंटेस्टेंट्स छोड़िए, हमारे मास्टर्स भी बहुत टेंशन में आ गए हैं। ठीक है, मालूम है टेंशन है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो ये अच्छा लगेगा यहां से कोई जाए नहीं, लेकिन क्या करें, ये फॉर्मेट है, फैसला तो हमें लेना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता हूं, आज मैं एक फैसला और लूंगा, जो इनमें से कोई भी एक जिसने सबसे ज्यादा मेहनत किया ना, उसे मैं डायरेक्ट बेहतरीन 12 में पहुंचा दूंगा। बेबस जोरदार ताला हो जाए हमारे ग्रैंड मास्टर के लिए। मतलब कोई एक डांसिंग स्टार आज सीधे बेहतरीन 12 में चला जाएगा और अगले हफ्ते वो बिल्कुल सुरक्षित होगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर। तो शुरू करते हैं महाकसौटी के महा परफॉर्मेंसेस का सिलसिला। पेश है श्रुति के शानदार से फेसबुक का स्टार, करनाल का कूल डूड मनन ससदेवा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फेसबुक। थैंक यू। काश ये वक्त मेरे साथ होता, काश उसे भी मुझसे प्यार होता, काश। आज मैं उसे अपने दिल की बात कहने वाला हूं। उसका उसमें हूं, उसे हूं उसी का, रहने दे मैं तो प्यासा हूं, है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले रुके उसी के वास्ते, मरने के मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, ए खुदा ए खुदा, जब बना उसका ही बना, ए खुदा ए खुदा, जब बना उसका ही बना। काश ये वक्त मेरे साथ होता,
काश उसे भी मुझसे प्यार होता, काश। सुपर रॉकिंग परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां हो जाए मनन के लिए। क्या बात है मनन, आज तो एकदम डिफरेंट रूप देखने को मिला है। रियलिटी का स्टेज है, डिफरेंट स्टाइल दिखाना मेरा काम। आए हाय, आए हाय। मास्टर मुदस्सर। मनन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे? मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया सर, आप जो बोलोगे मैं उसको ठीक करूंगा। आई डोंट नो इफ आई एम राइट, बट जब आपको देखता हूँ मैं तो मुझे राघव की याद आती। थैंक यू सर। और सबसे पहले आपने एक स्टोरी की पूरी, एंड देन अगेन रिवाइंड पे जाता है वो। स्पेशल क्रेडिट गोज टू द हेल्पिंग हैंड ऑल्सो, जिन्होंने आपके प्रॉप को सपोर्ट किया है, बखूबी प्रॉपरली सपोर्ट किया, और आपने उसको अपने आप में कंबाइन भी किया। थैंक यू। ऐसा लग रहा सच में वीडियो रिवाइंड हो रहा है। थैंक यू। I really want to say from my heart that you are a fire. Thank you so much. All the best. Thank you. Manan, आपने जो स्टोरी टेलिंग दिखाई बहुत ही क्लीन दिख के आई आपकी स्टोरी टेलिंग। Thank you. शुरुआत, रिवाइंड, फॉरवर्ड, एवरीथिंग वॉज देयर, यू नो इट लुक लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। मुझे एक फिल्म देख रहा हूँ मैं, एक गाना देख रहा हूँ, सीक्वेंस प्रॉपरली शॉट। So all the way is better. All the way better. Thank you, sir. Thank you. Mera little boom boom chuck, mera little rapper. आपके परफॉर्मेंस के बारे में ये कहना चाहूंगी, जो सीक्वेंस है मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, ब्यूटिफुल सीक्वेंस। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, ऐसे दिल से ऐसे आह निकला। थैंक यू। मस्त का परफॉर्मेंस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मनन, ऑल द बेस्ट। मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि मुझे क्या फीलिंग हो रही है। यू वर जस्ट फैंटास्टिक, मतलब पागल कर दिया आपने मुझे। थैंक यू। इतनी पकड़, इतनी समझ, और इतना छोटा सा लड़का, मेरी तरफ से। क्या बात है, मां कसौटी का पहला ग्रैंड सैल्यूट। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ मनन, आजकल फेसबुक पे चैटिंग बैटिंग हो रही है कि नहीं लड़कियों के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रैंड मास्टर ने ऐसी मां कसौटी उतारी मेरी, तो बिल्कुल एक मिनट के लिए हवा टाइट हो गई थी, तो मैंने इसलिए छोड़ ही दिया। मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया था। अच्छा, तो मतलब तुमने चैटिंग नहीं की? नहीं की। ते तिनास कौन है? बोले तिनास। तिनास खुशी कौन है? खुशी साधिया। हाँ, ये सब तुम्हारे फेसबुक के दोस्त हैं? यस दादा, मुझे पता ही नहीं ये सब कौन है। वैसे होंगे फेसबुक में बहुत सारे, हो गए ना दादा, मैं देखता ही। अच्छा, होंगे बहुत सारे होंगे। दादा ये रात भर लगे पड़े हैं, चैटिंग चालू है। आपको यकीन नहीं होता मुझ पर? नहीं होता? चलो मेरे पास सबूत भी है। सबूत पेश किया जाए मंच पर। हा, ये देखो स्माइल देखो, आए हाय हाय, खिजलाने शुरू हो गए। हाय मनन। आप तीनों इनके फेसबुक के? कल रात को वो आपके साथ चैटिंग कर रहा था? यस। हाँ, क्या बोल रहे थे? चैटिंग नहीं चल रहा था? मैं बोलता रहा ग्रैंड मास्टर, मेरा जो फेसबुक है मेरे भैया हैंडल करते हैं, तो वो इनको रिप्लाई कर रहे होंगे। मनन तुम तो हमें भूल ही गए डीआईडी में आके, दिस इज नॉट फेयर। नहीं आप ये ले। मनन ऐसे कैसे कर सकते हो तुम,
अभी अभी इतनी प्यारी लड़की है खुशी, लड़कियां तो प्यारी हैं मुझे पता है। खुशी दिलासा दे रहा ना दादा, खुशी आप छोड़ो, आप छोड़ो नहीं, दादा दुखी है वो लड़की कितनी। नहीं, आप छोड़ो वो बात कर रहे, मनन बात कर। ग्रैंड मास्टर ये मुझे फेसबुक पे ई कार्ड भेजता था, मेरे वॉल पे पूरे ई कार्ड भेजता था, लेकिन अब वन चीज कम टू डीआईडी ना, भूल ही गया है, भेजना बंद हो गया, रिप्लाई नहीं करता है। अच्छा ये सच है आप भेजते रहते तो? मैं मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ मास्टर, मैं बार बार आप देखो डिनाई कर रहा है, डिनाई कर रहा है। पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार। अब बहुत क्यूट हो। थैंक यू एक्चुअली ये आपके बहुत बड़े फैंस हैं तीनों, तीनों ने हमें लिखा था कि हमें मनन से मिलना है, इसलिए तीनों को बुलाया है। मनन हम आपके बहुत बड़े फैन है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी योर स्टाइल, सो प्लीज डू समथिंग फॉर अस। स्वैग स्वैग, यस यस, इनका स्वैग बहुत फेमस है और मेरा सुहाग घर पे जो है वो भी बहुत फेमस है। चलिए थैंक यू क्या बात है, थैंक यू सो मच मनन। आज ग्रैंड चैलेंज के मौके पर पेश है मुद्दस्तर की मंडली से मुंबई की डांसिंग मेनियक स्वराली। राजा राजा कर दे वे मैं आपे राजा होए, राजा कहो सहेलियो मैनू हीर ना आखो कोई। पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के अखियां च हंजू रुड़ दे, अखियां च हंजू रुड़ दे। नूर वेख के अखियां च कमली हो गई तेरे बिना, राजा राजन मेरे हर शहर का सब कुछ पै गया। कोठी उत्ते बैके अखियां लंबे ना जाना हमें कभी छोड़, सबको छोड़ के मेरी अखियां जो हंजूर दे। चलो स्वराली, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था आपका, जाते हैं मास्टर से और सबसे पहले हम पूछेंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा। हाँ सर प्लीज,
सर अली, आप मुझे एक बात बताओ, कब से आप डांस सीख रही हो? मैं 6 ईयर्स की थी तब से। ये जो सब गलतियां करती रहती हो, आपको कोई बोलता नहीं? मास्टर जी, आपको तो बोलना चाहिए छोटी छोटी चीजें। ये छोटी छोटी चीजें मतलब अगर बता देते तो कितना अच्छा। चलो कोई बात नहीं। What a flawless performance! ये आपकी मेहनत, मास्टर की मेहनत, मास्टर इवन थॉट, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, रियली वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। मास्टर श्रुति, आप जब प्रॉप के बाहर निकले ना, आपके जितने भी स्टेप्स थे मास्टर, आपने ऐसे कोरियोग्राफ किए थे कि वो पानी में है, तो इवन दो मतलब ग्रेविटी इस आपको खींच रही नीचे, लेकिन आपके कोरियोग्राफी के जो स्टेप्स थे, जैसे आप यहां आके आपने फुल एक रिवर्स किया, ऐसा लगा कि अंडर वाटर एक्ट शूट हो रहा है। जो श्रुति, क्या बात, क्या बात, थैंक यू, क्या बात। आपका परफॉर्मेंस, मैं ये कहना चाहूंगी के इट वॉज अ चुम्बारी गिरी गिरी जैम अटैक परफॉर्मेंस। गॉड ब्लेस यू स्वराली, ब्रिलियंट। आप मर्मेड बनी, आपने वो ग्रिड यूज किया, देयर वाज अ ट्विस्ट, आपने ग्रिड के साथ में एक बैक ट्विस्ट किया लेके पूरे प्रॉप को, ब्यूटिफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉप व्हिच इज रियली रियली नाइस। फिर आप ग्रिड के ऊपर आई और आपने एक सेंटर में ड्रॉप किया, एक्चुअली उसका जो गोलाई है वो इतनी बड़ी नहीं है कि आदमी निकल जाए इसमें बराबर से पूरी तरह से, बिकॉज आपके हाथ भी लग सकते थे, आपका फेस भी हिट हो सकता था, एंड यू वर क्लीन वेंट इनसाइड। सो फॉर मी इट वॉज अ फिरोजेश परफॉर्मेंस। आप कम अक्रॉस सच सम मैड डांसर्स इन माय लाइफ, एंड सोनाली इज वन ऑफ द दैट मैड डांसर। थैंक यू सर। कभी भी गिरती है, हंसी है, ऐसे अंदर आंसू रहेगा सर। चलो वो मोटा है, वो मोटा है, वो मोटा है। आप उसको बोलो वहां से कूदो। हाँ कूदूंगी ना सर, वहां से बेटा तू जंप कर। हाँ करूंगी ना जंप। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ सोनाली दैट शी इज इन माई टीम। पानी में आग लगाना सोनाली तुमने, यू आर फायर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अपनी जगह पर जाके बैठ सकते हैं, जोरदार तालियां हो जाए। आइए बुलाते हैं फिरोज की फौज से कोलकाता के एफर्टलेस डांसिंग स्टार बिकी दास। विरोध में लीन भोले भंडारी महादेव की तपस्या को भंग करने का जो साहस किया कामदेव ने, और फिर हुआ महाप्रलय।
सेट जोरदार ताली हो जाए विकी दास के लिए। विकी दास माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, थैंक यू सर। और उससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग आपके एब्स लग रहे थे भाई, कमाल है यार। चलिए फिर मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर श्रुति से। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि तांडव और क्रम इसका मिश्रण हुआ है आज, आई थिंक ब्यूटिफुल। थैंक यू, फैंटास्टिक। एक चीज कि जब लॉर्ड शिवा नटराज के पोज में आते हैं ना, वो एक पॉस्चर है, वो पॉस्चर हिट होना ही चाहिए, वो एक, क्योंकि वो एक ट्रेडमार्क है। लेकिन आपने वो क्रम स्टाइल में किया, हाँ जी, यहां आना जरूरी है वो। गॉड ब्लेस यू एंड साक्षात लॉर्ड शिवा का ब्लेसिंग आप पे। थैंक यू, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट। बिगिनिंग पोर्शन थोड़ा ठंडा लगा, द वे यू स्टार्टेड क्रम्पिंग, उसके बाद से मैंने, मतलब मैंने आपको ये कमेंट पहले भी दिया और अभी भी दे रहा हूं, यू आर रियली अ क्लासिक क्रम्पर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेंटेन किया, जहां आपको प्रॉपर्टीज के साथ खेलना था, आपके प्रॉप्स के साथ, फायर के साथ, वहां आप क्लाउनिंग के साथ कर रहे थे, और जहां आपको देना था वहां आप क्रम्पिंग कर रहे थे। सो बिकॉज दिस इज श्योर दैट देयर इज अ फायर इन यू। शिव जी शांत स्वभाव के भी थे जब तक वो क्रोधित नहीं हुए थे, तो वो बिगनिंग में थोड़ा सा एस्टैब्लिश करने के लिए हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से उसको किया, जैसे कैपुआरा का हमने स्टेप्स यूज किया, फिर एक नमस्कार जैसा, आप जो साइड में आप बोल रहे हैं आपको बहुत सिंपल लगा, जस्ट टू बिल्ड द कैरेक्टर। और उसके बाद में दिखाना था कि क्रम्पिंग और उनका क्रोध जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो कैसा असर होता है। एंड आई थिंक आपने बखूबी उसे किया, एंड आई एम रियली रियली प्राउड, एंड आई रियली लव यू, आई लव यू ऑल सीरियसली। थैंक यू सर, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, मतलब पकड़ के रखे थे पूरा स्टेज अंडर योर कंट्रोल। थैंक यू, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप स्टेज के अधीश्वर हैं और आप कमांड कर रहे हैं कि इट शुड मूव लाइक दैट एंड आई ऑल्सो शैल मूव लाइक दैट। थैंक यू सो मच विकास, जोरदार ताली हो जाए। अभी तक जय के साथ मेरा झगड़ा चलता रहता है, एंड यू ऑल्सो नो दैट आई लव हिम सो मच। लेकिन मैं अभी जय से हट के तुम तीनों को कुछ टास्क देना चाहता हूं, करोगे? जी सर, जरूर जरूर। ध्यान से सुनना श्रुति, कमेंट्स जब देंगी हाथों का इस्तेमाल नहीं करेगी, इम्पॉसिबल है। फिरोज बिल्कुल श्रुति जैसा कमेंट्स देंगे, क्या बात है। और मुदस्सर तीन लाइन में पूरी कहानी समाप्त कर दी। अभी नेक्स्ट से ये टास्क आप तीनों के लिए डन। हमारे अगले डांसिंग स्टार के पिछले हफ्ते की ग्रैंड सैल्यूट जीतने वाली परफॉर्मेंस का लहू अभी भी लगा हुआ है हमारे मुंह पे। आ रहे हैं मुदस्सर की मंडली से दिल्ली के डैशिंग डांसिंग स्टार धीरज बख्शी।
किस्मत मोरे अब हूँ हवाले हाँ अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वारिया और कोई बदली कभी कहीं कर दे तनगीरा है ये बिना हो मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं ये किला तो है मैं को तो नहीं शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक ओ फिर से उड़े चला इधर उधर इधर बिधर क्या है पता हवा नहीं जाए तेरी ओ खींचे तेरी यादें तेरी यादें तेरी ओ कितने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं क्यों फिर साथ चले बदले के उड़े जानते हैं मास्टर से कि उन्हें ये अलग कॉन्सेप्ट और अलग आइडिया और आपका डांस कैसा लगा तो सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर श्रुति से धीरज आपने अपना फोर्टे किया ब्रिलियंट डिसीजन पहले तो सॉरी यू हैव टू कीप योर हैंड्स डाउन धीरज एक फ्रेशनेस था वो मूव में क्योंकि दादा You had to do it. Yes, it's a task. अच्छा, okay. हाँ, let's try. You had to do it. Yes, दादा, I will. मैंने आज तक एक contemporary performer को वो जो वो जो hip shake होता है ना, एक hip hip shake आपने किया ऊपर. That was brilliant. I thought it was very fresh. बहुत ही fresh move था. उसके बाद आपने एक dead drop, leap of faith लिया. Beautiful. I loved your performance. Thank you very magical much. Performance. Thank you very much. अभी फिरोज हाँ. श्रुति की तरह हाथों से करेंगे. क्या बात है? One. Hi धीरज. Hi. आपने वो टनल से शुरुआत की वाओ यू नो वो जो रिंग टनल है ना आप जो रिंग टनल आप देख रहे हो आपके लेफ्ट में जो है ऊपर वहां से आपने बहुत अच्छी शुरुआत की फिर एक कपड़ा आया वहां पे ठीक है कपड़े को आपने जो पकड़ा और वो मिस हुआ इट वॉज मैजिकल फॉर मी थैंक यू वेरी मच फिर आप नीचे आए तो मैं वेट कर रहा था कि ये चीज क्या होने वाली है यहाँ पे और जब ये चीज हुई तो इट वॉज टेरिफिक थैंक यू वेरी मच धीरज जैसा आप दिखते हो वैसा आपका डांस भी दिखता है आपका परफॉर्मेंस दिखता है सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी थैंक यू मास्टर मुदस्सर मास्टर श्रुति ने आपको कहा आई लव योर परफॉर्मेंस मैं आपको कह रहा हूं आई लव योर परफॉर्मेंस और एक दिन पूरा देश कहेगा आई लव योर परफॉर्मेंस इससे मालूम पड़ता है इससे मालूम पड़ता है कितनी तकलीफ हो रही धीरज मैं सहमत हूं यू हैव एवरीथिंग यू आर ए स्टार बड़ी स्टार थैंक यू वेरी मच पहली बात तो मुदस्सर सर आपको मैं आपके लिए एक ताली इस सोच के लिए ताली वो जगह को मैं नजरअंदाज करना चाहूंगा जब आप छूटे इसीलिए चाहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि इस जगह में आपने गलती नहीं की उस कपड़े ने बदतमीज वो कहीं उड़ गया बट आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक थैंक यू ग्रैंड मास्टर क्या बात क्या बात क्या बात थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर
थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस. यू कैन प्लीज टेक योर सीट. जोरदार तालियां हो जाए. हमारी अगली डांसिंग स्टार को पिछले हफ्ते डांस करते हुए देखकर मार्शा फिरोज ने उन्हें एक दीवा कहा था. तो आ रही है फिरोज की फौज से दिल्ली की डांसिंग डायनामाइट जूही. दिल से तुझको बेदिली है मुझको है दिल का गुरु. तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर. ये मेरा दीवाना कौन है या मोहब्बत का सुरू. ये मेरा दीवाना कौन है या मोहब्बत का सुरू. न पहचान परफॉर्मेंस. तो चलिए फिर जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा. और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर मुदस्सर से. मुदस्सर जी आप अभी श्रुति की तरह बोलोगे. ओ थैंक यू सर. जूही मैं आपको एक बात बोलूंगा. इट वॉज अ सिजलिंग एक्ट. थैंक यू सर. इट वॉज वॉटर ऑल अराउंड but it set the stage on fire. Dada Juhi ne jo ye performance kiya hai itna kamal ka tha. Uski ek thin line hoti hai, thin se bhi thin se bhi thin line hoti hai, ekdam thin line. Wo cross nahi kiya unhone. और एक पैशनेट परफॉर्मेंस के साथ साथ एक क्लीन प्रेजेंटेशन भी दिया उन्होंने. तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बैलेंस पे भी ध्यान दें. और यहां आके आपने तो मुझे डरा ही दिया. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट. मैं मास्टर फिरोज से कहना चाहूंगी, मास्टर फिरोज टू गुड परफॉर्मेंस, टू गुड कोरियोग्राफी. डीआईडी के सीजन 4 है जैसे हम सब. आई एम सो इंप्रेस्ड. ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट. फैंटास्टिक. दादा अब मास्टर श्रुति किस स्टाइल में बात करेंगी? मास्टर श्रुति अभी मुदस्सर किस क्या बात है. तो फिर शुरुआत यहां से कीजिए फिर मास्टर श्रुति. जूही देखो मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि एक
अच्छी कोशिश थी आपकी, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन क्या है ना, अभी बोलना तो पड़ेगा मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप पूरे पूरे गाने की कहानी भी बता सकती हैं? हाँ, हाँ, चाहे तो। तो आप जैसे तब से सिर्फ टांग दिखी, टांग के बाद दूसरी टांग दिखी, दूसरी टांग के बाद आप पूरा बैक बेंड करके बाहर निकल के आ गई। व्हाट अ प्रेजेंटेशन, वेरी गुड स्टार्ट। तो उसके बाद आप घूम के यहां आई, उसके बाद आपने ऐसे चल के जो एक्सप्रेशन, जो ही आपके जो एक्सप्रेशन है फैंटास्टिक, उठे और आप चल के इधर आए, आपने बैलेंस किया और आपने एक्सटेंशन किया, सबने देखा ये। एक बार बोला था मैंने ये, खाली सबने देखा ये है। हाँ, ये एक हाँ। दो बार ही बोला मैंने, सबने हाँ। देखा। हाँ, आगे। उसके बाद अब वापस पानी शुरू हो गया, फुआरा निकल रहा था पानी का फुआरा, फुआरे में आप गए और उसके बाद आपने वापस बैलेंस का एक्ट किया वहां पे। तो बैलेंस का एक्ट जो आपने किया, इतना बोलता हूं मैं अभी, ये तो एडिटेड वर्जन है। बता देना जब मास्टर मुदस्सर का खत्म हो जाए तब। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे हम लोगों को, मुझसे गलती हो गई। आपके प्रेजेंटेशन के लिए जूही, और आपने जिस तरीके से परफॉर्मेंस, अनअबैशड परफॉर्मेंस दिया, उसके लिए झुम्बारी जिरी जिरी जैम झटाक परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। मास्टर फिरोज, आप मुदस्सर के स्टाइल में बोलिए। मैं दो बार क्यों मरूं? तो मैं फिरोज को देखना चाहता हूं। तो मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो टप से निकली, क्या पैर थे, क्या पैर थे, क्या पैर थे, मतलब एक्सटेंशन इतना अच्छा था आपका कि मतलब एकदम पॉइंटेड टोज, सुपर्ब, वेरी नाइस। और जब आपने वो गाने की पहली लाइन शुरू हुई, ये मेरा दीवानापन है, फिर तो मतलब आपने तो कमाल ही कर दिया, घंटा कमाल ही कर दिया आपने, सुपर्ब बोले तो एकदम फैंटास्टिक। मगर एक बात जरूर बोलूंगा, डांस पे आता हूं। जब आपने बैलेंस आपसे मिस हो गया, तो मुझे लगा कि शायद उसके बाद में आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, मगर आपने पकड़ के रखा, आप पोल पे गई, एक टर्न लिया पोल डांसिंग का, और वापस आप नीचे टब में आई, उसके बाद में आपने बैलेंस पकड़े रखा, तो फॉर दैट सुपर सुपर सुपर। अगर आप लोगों को बुरा नहीं लगे तो मैं मुदस्सर सर की तरह बोल सकता हूँ? हाँ दादा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने जब शुरू किया, टक 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 तीन आवाज आई, उसके बाद आपने जो शुरू किया, पहले आपकी एक टांग बाहर आई, उसके बाद दो आई, उसके बाद आप 180 लिए, उसके बाद आपने जो बेंड करके बाहर आई, उसके बाद आपने एक सेक्शन किया, छोटा सेक्शन, उसके बाद वहां से आप गई ऊपर, गई वहां से जो लेके जो आप ऊपर आई, फिर वहां से आप चल के इधर आके जो अपने नीचे जाने के बाद आपने जो ये लुक दिया, फिर वहां से अभी उसके बाद पानी गिरा, पानी पानी में प्रॉब्लम था, पानी आना जा रहा है, आ रहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने थोड़ा सा स्लिप करने के बाद, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं, लेकिन बट करने के बाद जो पानी के साथ आप खेलने लगी, वाह वाह वाह, उसके बाद आपने फिर पोल डांसिंग करके नीचे आके जो किया, मैंने एक लाइन में फिरोज बट एनीवे अभी परफॉर्मेंस की बात करता हूं, इट वॉज फैंटास्टिक सिजलिंग। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात, थैंक यू सो, क्या बात, थैंक यू सो मच जूही, जोरदार ताले हो जाए जूही के लिए। और अब ग्रैंड चैलेंज पर उतर रहे हैं हमारे अगले डांसिंग स्टार।
पेश है श्रुति के शानदार से बीट किंग सुबेद। जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। सुमेद, यस सर, सुपरस्टार यू आर, सुपरस्टार। आपने एक रिवर्स अपसाइड डाउन किया, जो कि विजुअली पहला लगा कि आप सीधे बैठे हो, सब कुछ सीधे हो रही है, पानी गिरना, पेपर फ्लाई होना, कन्फेटीज को गिरना, विजुअली बहुत ही प्यारा था। फिर आप नीचे आए, आपने एक छोटा सा प्रॉप यूज किया, बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई थिंक इट वॉज सुपर एक्ट। थैंक यू सर, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुमित, बहुत फ्लो है आपके पॉपिंग में, द वे यू डू इट्स प्योर पॉपिंग। थैंक यू सर। बीच बीच में जो जर्क्स देते हो आप, हल्के हल्के हिट्स देते हो ना, वो हिट्स से ही आपका बॉडी का लुक अच्छा आता है। ट्रूली अ गुड पॉपर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वाश्रुति, सुमित, मेगा ऑडिशंस के टाइम पे हमने आपका नाम रखा था बीट किंग, वो आज जाके फुल्ली जस्टिफाइड हुआ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर। ग्रैंड मास्टर, मुझे आपको देख के कहीं कहीं हमारे प्रिंस साहब याद आ जाए। प्रिंस इज द किंग यू नो ऑफ डीआईडीज लॉकिंग एंड पॉपिंग। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नाउ। प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाए, जोरदार ताली हो जाए सुमेध के लिए। और अब बुलाते हैं श्रुति के शानदार से कोलकाता की डांसिंग डॉल सुनिकेता। Thank you.
साक्षात काली माता, सुपर मास्टर से जानना चाहोगी? सुनिए दा, आपने जो पेश किया है आज, इट्स अनबिलीवेबल, ठीक है? थैंक यू। आपकी जितनी हाइट है ना, आज आप उससे 100 फीट ऊंची उड़ी हैं, तो फॉर दैट आई विल से इट वाज अ फिरोजेश परफॉर्मेंस। आपने जो स्टार्ट किया परफॉर्मेंस, जस्ट यू आर स्टैंडिंग, मतलब उसमें कोई स्टेप नहीं था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, जस्ट आपका फेस और आपका लुक था, वो परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका था। आप खड़े खड़े आपने डांस किया, मतलब दैट इज, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता बिना कोई स्टेप किए। जब आपने अपने आप को ट्रांसफर किया एक नॉर्मल एक्सप्रेशन से दूसरे क्रोधित एक्सप्रेशन में, आपने अपने आप को चेंज किया, वो एक्सप्रेशंस के लिए मैं आपको बोलूंगा यू आर फायर। थैंक यू सर। मास्टर श्रुति, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप, इन्हें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल गए हैं, आपको क्या कहना है? नटराज स्टाइल में झुम्बारी झिरी झिरी झाम झटाक। थैंक यू मैम। ग्रैंड मास्टर, आपको सुनी केदा का परफॉर्मेंस कैसा लगा? फैंटास्टिक, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आके नहीं फिरा पाए हम, इसे कहते परफॉर्मेंस। एक बात बताइए, इनमें से कौन है जिसके सीने पर आप कदम रख के जीभ निकालना चाहती है? मनन। मनन, जा सो जा। बधाई हो, आपको यह मौका मिल चुका है, आइए लेटिए। मनन सो जा। रेडी? वेरी गुड, थैंक यू मनन। दादा, मनन और सुनिकेता हर एक घंटे
चालू ही रहता है दादा, और हर तीन घंटे सुनी के तरह होती है। क्या दोनों का झगड़ा चलता रहता है? हाँ जी, पूरे टाइम। क्या भाई, हेलो। इसकी एक बहुत गलत हैबिट है, ये लड़के को लड़की बना देती है। ऐसे बोलती है, मैं तेरे को मारेगी, मैं तेरे को बहुत मारेगी, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसलिए, मैं इसलिए लड़ लेता हूँ इसके साथ। क्यों भाई, सुनी के साथ क्या बात है बताओ? वो मेरे को फर्स्ट में मारती है, फिर मैं उसको मारती हूँ। उस दिन मेरा बाल बहुत जोर से खींचा था, ये जब मैं गुस्से में आ गई चिल्लाई, सब लोगों ने मेरे को डांटा कि तू मनन को मार रही है, लेकिन वो मेरे को पहले मारता है फिर मैं उसको मारती हूँ। अच्छा, सच मुझ बता तुम कैसे मारती हो, सब कुछ सच मुझ बता तुम कैसे मारते हो उसको, कितने मतलब फोर्स बताना, फिर वो बाल पकड़ेगी। नहीं, मुझे देखना, फाइनल करना आज। हाँ एकदम, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मुझे और देखना नहीं है, मुझे और देखना नहीं है। चलो तुम उसको हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ दोनों, एक दूसरे को सॉरी बोलो, वेरी गुड, दोनों एक बार जप्पी मारो दोनों, हाँ वेरी गुड, चलो थैंक यू, चलो बैठ जाओ। और अब पेश है मुदस्सर की मंडली से द इलेक्ट्रिफाइंग श्याम यादव। अरे लाइट को क्या हो गया भाई, लाइट क्यों बंद हो गई? Let there be light. मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। शाम, आपने क्रम्प हॉप किया, आई थिंक विद द आउटफिट कहीं जाके वो मुझे कंट्रोल सा लगा, इट कुडंट कम आउट वेरी वेल। आपने जो फ्लोर नीचे जाके फ्लोर पे आपने जो फुट वेव किया, दैट वाज रियली वाव फॉर मी, ओवरऑल वाज नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। शाम जी, मैम बहुत डिफिकल्ट होता है कि लाइट को कोऑर्डिनेट करो, कॉस्ट्यूम का टाइट होने की वजह से जो डांस करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाना, बट आपने वो किया और वो एक बेहतरीन परफॉर्मर का एक ट्रेडमार्क साइन होता है शाम, एंड वो आप हो एक बेहतरीन परफॉर्मर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। शाम, कॉस्ट्यूम्स के लिए जहां तक मैं भी थोड़ा सहमत हूं, बिकॉज एक्चुअली जो शाम ये है वो ये है नहीं, मतलब ये आग है ये, और रियली अ फायर। ऑल द बेस्ट शाम। थैंक यू सो मच मैन। शाम, कभी कभी क्या होता है कि आपका दिन खराब हो जाता है, द डे यू थिंक इट शुड हैपन उस दिन होता नहीं, बट इससे ये मतलब भी नहीं होता है कि आपका टैलेंट खत्म हो गया। पिक्चरें फ्लॉप होती हैं, टैलेंट फ्लॉप थोड़ी होता है। वेरी गुड, है ना? थैंक यू।
Thank you so much, Grandmaster, and thank you so much, Shyam, for this super performance. Thank you. Please take a seat. Thank you. और अब पेश है श्रुति के शानदार से पुणे की डांसिंग स्टार मीरा. चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम. इनका तो पंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार. राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम. रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगा, रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगाम. राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम. धन धन हो में कुटबर से लीला ना श्रृंगार, इन दर से सुन लो न तेरी पतलो कंदोरो, शोभे रानी रुड़ रंग सिंगोरो, प्रेम का खेड़ा छे आराम लीला, बंटोड़े चढ़िया छे आराम लीला, राम लीला. जानते हैं मास्टर से, और सबसे पहले पूछेंगे मास्टर फिरोज से. आपने दो मिनट सैंड के बीच में प्लस बराबर में आग लगी हुई है. आई थिंक आपने यू सेट द स्टेज ऑन फायर मीरा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू मीरा. आपने स्टेज पे भी आके डांस किया और सैंड भी यूज की, बहुत अच्छा था. मतलब स्टनिंग, आई कैन से स्टनिंग. सो ऑल द बेस्ट मीरा. यस मैम. हर एक डांस में ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपने जिस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल किया उसकी वजह से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मीरा. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू सो मच मास्टर्स. ग्रैंड मास्टर मीरा, सभी ने सब कुछ कह दिया. जी दादा. लेकिन ये मैं दो हफ्ते से नोटिस कर रहा हूं. यू नो एंड ऑफ द सॉन्ग यू लूज योर ब्रेथ. ऐसा लगता है कि आप टायर्ड हो चुके. क्यों ऐसा क्यों लगता है कि डू यू लूज ब्रेथ? ग्रैंडमास्टर आई विल वर्क ऑन इट. तो मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा. आई थिंक इट वाज अ स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस. थैंक यू वेरी मच. जोरदार ताजा हो जाए मीरा के लिए. थैंक यू. और अब पेश है श्रुति के शानदार से दिल्ली की डांसिंग स्टार सृष्टि. I'm not afraid to die.
रॉकिंग, ज्यादा तालियां जाए सृष्टि के लिए। चलिए फिर जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। सृष्टि, आपके परफॉर्मेंस में जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, आपकी शुरुआत और आपकी एंडिंग, ओके, इट वाज अ वेरी वाव मोमेंट। जब आप पूरा रिवर्स स्लाइड होके आई बार पे से, आपने जो एंड किया हार्नेस के ऊपर, मुझे सॉन्ग थोड़ा ओवरपावरिंग लगा डांस के हिसाब से, ओके। सो ओवरऑल सृष्टि, इट वाज रियली रियली नाइस परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एक मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आपके लिए लोग तारीफ कर, तालियां बजाएं, वो है आपका स्प्लिट रोल। इट वॉज सो नाइस, इट वॉज सो नाइस, सो वर्क हार्ड एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आपका एक धमाका देखने मिलेगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मास्टर मुद्दा सर। मास्टर श्रुति, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सृष्टि, आपके लाइन्स, आपकी मेच्योरिटी डांसिंग में कि कितना कितने स्टेप में क्या देना चाहिए। सृष्टि, ब्यूटिफुल कोरियोग्राफी सेंट्रिक परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सृष्टि, यू आर वेरी ग्रेसफुल डांसर, वेरी ग्रेसफुल, एवरी डे आई एम सीइंग यू, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग एंड यू आर ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। बाकी क्या होगा देखते, but very well done, thank you, thank you so much grandmaster and thank you so much, thank you sir, aap apni jagah pe jaake baith sakte hain, zorda taale ho jaye, india dance india dance, chaliye aage badh, are wo mat pe baith khade raho na yaar, baat dada dekho, are fir jhagda, are baat baat pe batana padta, yahan pe aise khadi hai, you know fashion karne aayi ho yahan par yaar, hamare yaar dhyan rehta nahi hai kaam pe, hamesha dhyan idhar, bas bas ध्यान दो काम पे, इधर उधर नहीं, समझे ना। एक मिनट दादा, एक मिनट, बहुत बसना यार प्लीज। क्या रे, कब तो भी कितना हो गया, कब से तुम लोग मेरे पे ही ले रहे हो, मेरी मेरे पास ही कर रहे हो, अभी बस हो गया ना। अरे माशा मुद्दा सा मस्ती कर रहे हैं हम लोग, नहीं लेकिन हम सब जानते हैं कि वो अभी बहुत बहुत दिन हो गया, अभी बंद करिए, काफी टाइम हो गया, प्लीज जय, अब अभी इसको स्टॉप स्टॉप करो, नहीं मजाक से हो रहा है, थोड़ी भी सीरियस ले रहा है। दादा, अरे मुदस्सर, अरे मास्टर मुदस्सर, जा रहे कहाँ हैं आप? अच्छा मास्टर मुदस्सर, मैं माफी मांगता हूं अगर आपको बुरा लगा हो किसी चीज का। अब ये एक मजाक, मजाक का एक लिमिट होता है, एक लिमिट होता है कि नहीं होता है? फिर मैं बाद में कुछ हो जाएगा, फिर मैं कुछ बोल दूंगा, फिर अच्छा नहीं रहेगा, फिर मतलब मुडी मुदस्सर, मैं खाली आपको यही बोलना चाहता हूं कि अपने सामने ज्यादा बात नहीं करना, मैं तो मुंह पे लगा दूंगा ताला, और ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। थैंक यू सो मच मास्टर मुद्दा सर। एक एक मिनट, उसको लिखे जरा मेरे पास आओ आप। बड़ी ट्रैक्टर वाली फीलिंग आ रही है आज इसके बाजू में खड़े लेकिन, हाँ जोरदार ताले हो जाए मास्टर मुद्दा सर के लिए। ग्रैंड मास्टर, मुझे ये लगा के रखना है। माय गॉड, नहीं नहीं हटाना नहीं बाबा, कितने पोजेसिव है ये देखो मास्टर मुद्दा सर। बट एक बात जय इसे, एक बात जय इसे क्लियर, हाँ कि कहीं ना कहीं जनाब के दिल में हलचल हो रहा है। दादा, आग दोनों जगह पे भड़की है। करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की ओर, प्लीज वेलकम मुदस्सर की मंडली से रायपुर की डांसिंग स्टार एक्सप्रेशन क्वीन ऋषिका। मुबारक हो, आपके घर बेटी पैदा हुई है। बेटी नहीं चाहिए हमें, बेटी स्वीट।
इतना करे चल पड़ो तो कितना दूर सपनों का बुना स्वेटर समान सफेद बादलों के पास मेरा जहां ज्यादा कम संभलता फिर भी ना कोई शक ना शुबा निकलेगा फिर से सूरज जो डूबा हैरत हो सबको ऐसा अजूबा है मेरा जहां फैंटास्टिक जोरदार ताली आ जाए ऋषिका के लिए। जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा है और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर श्रुति से। गर्ल चाइल्ड का आपने जो कॉन्सेप्ट लिया पहले तो मास्टर मुद्दसर थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके से पूरे एक्ट में सुकून एक मन करके पूरा परफॉर्मेंस किया इट वॉज ब्यूटिफुल। एक फुटवर्क आया था बैले का टिप टोइंग वहां पे थोड़ा मिस हुआ वो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ऋषिका आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है शुरुआत और एक एंडिंग बहुत ही मायने रखती है परफॉर्मेंस में। तो आपने एक कचरे के डब्बे से शुरुआत की और हमारे ऊपर फूल बरसा दिए। व्हाट अ कनेक्शन ऋषिका। फूलों के जितने भी आपके सेक्शन से फ्लो वर्क तो वो मुझे थोड़ा क्लीन नहीं लगा, अदरवाइज ओवरऑल आई रियली लाइक्ड इट। मैं इसके बारे में कहूंगा कि ऋषिका का बार बढ़ रहा है, मतलब ऋषिका ने स्टार्ट किया था कथक से, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड किया, लटके झटके किए, भोजपुरी किया, मतलब अभी तक सारे फॉर्म्स ऑलमोस्ट कर चुके हैं हिप हॉप छोड़ के। अभी यहाँ कंटेम्प्रेरी फ्री स्टाइल भी कर लिया उसने, तो मैं समझता हूँ शी इज अ वेरी नाइस डांसर। गलतियाँ यू हैव टू इम्प्रूव इट। ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू। ग्रैंड मास्टर ऋषिका, अगर मैं सपोज मैं इनको जानता नहीं और मैं ऑडियंस में बैठा हूं, मैं तो मेरी आंखें नम हो जाती ये डांस ये परफॉर्मेंस देखती। टेक्निकलिटीज वी हैव सेड, पहली बार आपने कोशिश की, काबिले तारीफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। जोरदार तालियां हो जाए ऋषिका के लिए परफॉर्मेंस की। पेश है फिरोज की फौज से आमजी मुंबई लोकल आशुतोष। ऐसा ना करना, करना 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 करना
रॉकिंग जोरदार तालियां हो जाए आशुतोष के लिए। और सबसे पहले हम पूछेंगे मैं से श्रुति से, आपने एक जॉम्बी इंडियन क्लासिकल सितार मूवमेंट किया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरियोग्राफी था। एक चीज है कि वो एक रजिस्टर लॉक जो सिर्फ कलाई के साथ नहीं बॉडी के साथ भी, मुझे थोड़ा वो वीक लगा, लेकिन वेरी नाइस ओवरऑल, इफेक्टिव, क्लीन एंड जॉम्बी वर्ल्ड स्केरी एक्ट। ऑल द थैंक यू। जॉम्बी का एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो थोड़ा यूज करना चाहिए था, जॉम्बी नेवर रन्स, वो भाग नहीं सकता। दूसरी चीज, बोन्स के साउंड इफेक्ट पे आप जब कर रहे थे ऐसा लग रहा था सच में आपकी हड्डियां टूट रही, वो बहुत अच्छा था। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा मुझे, आपका एक्ट अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मास्टर्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड आप इस पे जरूर ध्यान देंगे अशु, और हम ये जरूर गौर करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ वर्क करना है। ओवरऑल आई थिंक अशु, आई रियली लाइक व्हाट यू डिड एंड सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर, मुझे जबरदस्त परफॉर्मेंस लगा, इट वॉज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। कोई कोई जगह तो यू आर सो प्रिसाइज, एब्सोल्युटली सो प्रिसाइज, स्पेशली विद फिरोज के साथ जो आपकी टाइमिंग थी, क्लास। थैंक यू। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर और आशुतोष, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी के लिए आप अपनी जगह पे जाकर बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए आशुतोष के लिए। करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की ओर। पेश है फिरोज की फौज से अहमदनगर की डांसिंग स्टार सपना। कहानी
ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, हुई न हुई बारी बारी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। हम चलिए जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर श्रुति से। आपने कथक मिक्स किया सेमी क्लासिकल फॉर्म में एक बॉलीवुड गाने में जी। अच्छा अटेम्प्ट था, आपकी जो तत्कार थी करेक्ट गाने पे जा रही थी, स्टांस पे जरा और थोड़ा मेहनत, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस जो है वो जितने भी छोटी छोटी बारीकियां जो होती है, जो मिस्टेक हुई है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने वो कवर अप किया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हलकट जवानी पे आप सेमी क्लासिकल कथक करेंगी, तो वो अच्छा सरप्राइज था। बहुत डिफिकल्ट हो रहा था सर, आप भी जानते हो बॉलीवुड अगर फोटे है तो हाँ, वो सब यही आता है। हाँ, अरे ये जो आप कहते कहते आप बताती ना, ये वो आपका फोटे है, मतलब आप पहले ऑडिशन से आप ये करते आ रही हैं। सर आपसे ही सीख रही हैं। एक्चुअली सर मैं यही चाहूंगा जो भी पॉइंट्स आपको मास्टर श्रुति ने बताए हैं आप उसमें और इम्प्रोवाइज करेंगे, और यू आर अ गुड डांसर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। भूमि चक्कर जब आप कर रही थी तो मुझे लगा कि आप कंप्लीट करोगे, बट नो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बट हम इंशाल्लाह इस पे बहुत बहुत काम करेंगे एंड दोबारा गलती ना हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मास्टर। टाइम मास्टर। सभी गलती तो तब हो जब वो गलती करें, उसने तो कोई गलती की नहीं, उन्होंने जो आपको दिखाई दिया उसने कवर अप कर लिया किसी तरह भी, एक्सप्रेशन से, अदाओं से, एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी very pleasant performance. Yes, thank you so much. Thank you so much grandmaster, and thank you so much Sapna for this lovely performance. Thank you, please thank take you a so seat. Zor da taali ho ja. It's grand challenge ki sham par pesh hai Firoz ki fauj se the flying prince. Chao jaldi aao. चंदा रे कभी तो सुन पड़े, बैठेंगे बातें कर दो हैं। चंदा रे कभी तो समी पड़े, बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो समी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। तुझको आते इधर लाज आए अदर, ओढ़ के आजा तू बादल घर। गुलशन वादी वादी बहती है रेशम जैसी हवा, जंगल जंगल पर्वत पर्वत है, नींद में सब एक मेरे सिवा। चंदा चंदा आजा सपनों की नीली ने।
नदियों में नहाए आ जाए ताजे चुपके हम हार बनाए इन धुंधली धुंधली राहों में आधारों ही खो जाए चंदा रे चंदा रे कभी तो समय करना बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए अगर ओढ़ के आज तू बदल घर जोरदार तालियां हो जाए चॉकलेट। जानते हैं मास्टर से कि उन्हें क्या कहना है आपके परफॉर्मेंस को लेकर, सो सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर श्रुति से। आप एक सुपरस्टार हो। थैंक यू। दो ऐसे वाव मोमेंट्स थे जहां पे आपने स्प्लिट करके एक ड्रॉप किया, एक डेड फॉल था, और दूसरा आपका एंड ब्यूटिफुल। आपके जितने भी फ्लो वर्क्स थे चाओ, वेरी नाइस। थैंक यू। टेक्निकलिटी जो भी था होता है, बट आपने एज अ परफॉर्मर अपना बेस्ट दिया एंड वो एक मार्क ऑफ ब्रिलियंस होता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू चाओ, ऑल द बेस्ट। आपकी एंट्री स्पेशली वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आपका ऑफ प्रॉपर्टी जो डांस था, जो स्टेज पे आके आपने डांस किया, वो मुझे बहुत शाइनी लगा। उसके बाद जब भी आप वापस सिल्क और आपकी प्रॉपर्टी पे जा रहे थे ना, इट वॉज every second it was wow. All the best, yeah. Thank you so much. Ciao. I'm sorry, sir. For what? Kuch laga aapko apne galti ki? Bas aaj ko thoda. Kya ho gaya? सिल्क ये डीआईडी सीजन 4 का पहला एरियल परफॉर्मेंस है विद सिल्क। जो भी आपकी गलती होगी, जो पैर अटक गया था आपका सिल्क में, बट उसके अलावा आपने जो भी कुछ किया चाहो, मुझे बहुत खुशी आपने किया। थैंक यू सो मच चाओ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर चाओ, पहली बात तो तुम्हें थैंक यू बोलूंगा तुम्हें सच बोलने के लिए। दूसरी बात, आपसे गलती हुई है, अनजाने में हुई है, सिल अटक गया, लेकिन अटक गया। ये ना कहना मेरे मुंह से इनकी तरफ ना इंसाफी होगी, जो देखा है उसको कहना है। बाकी रह गया नसीब की बात, बाद में देखते हैं। पर परफॉर्मेंस इज कंसर्न, इट वॉज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर एंड चाओ, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी जगह पे जाकर बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए चाओ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे जाने दो, अरे जाने दो, बहुत जरूरी है भाई। अरे भाई साहब जाने दीजिए, जाने दीजिए। आइए आइए आइए, भदे जी कैसे हैं आप? आप यहाँ? अरे दादा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ भदे जी से। इनके पास एक कमाल की शक्ति है, और उस शक्ति के हिसाब से अगर वो किसी को छू ले, किसी का भी हाथ थाम ले, तो उनकी सारी परेशानी वो ले लेते हैं। दुनिया के सारे ऐप। हेलो हेलो ग्रैंड मास्टर। तो भदे जी बताइए, आज यहाँ कैसे? मुझे हेल्प करो, मुझे डांस सीखना है। डांस? लेकिन किस लिए सीखना है आपको डांस? मैं ना अपनी सासू माँ को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी डांस कर सकता हूँ। मेरी सासू माँ ऐसा बोलती है, मेरी बेटी सुषमा के लिए तू क्यों मिला? उसके लिए तो मिथुन चक्रवर्ती का रिश्ता आया था। ओहो, कैसी बातें कर रहे हैं? ग्रैंड मास्टर की तो उम्र ऐसी है कि वो आपकी सास के साथ शादी करेंगे, और सुषमा जी के साथ क्यों करेंगे? सॉरी सॉरी दादा, पर मैंने भी ऐसा ही कहा जय, लेकिन सासू माँ कहती है नहीं नहीं दादा, ग्रैंड मास्टर वो तो एवर ग्रीन है। तो सासू माँ कहती है कि ही इज जस्ट 27 प्लस। फिर मेरा भी खून खौल उठा, मैंने कहा आई एम 16 प्लस।
सॉरी सॉरी दादा, लेकिन यही गलती हो गई। सासू माँ ने चैलेंज कर दिया कि ठीक है तो डांस करके दिखाओ उनके जैसा, तो डांस तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ आया मैं। अच्छा। हाँ, यहाँ ऐसा डांस करना चाहता हूँ कि मास्टर श्रुति कह दे कि झुम परी झिरी झिरी झिम झटा। सो धीरज और मनन प्लीज मंच पर आ जाए, जोरदार ताली हो जाए। हाँ, ये धीरज है हमारा, बहुत ही फेमस हो चुका है। लास्ट वीक उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया है लहू में लग गया, उसके बाद तो मतलब यू नो वो लहू लग प्यासा दरिंदा हो गया ऐसा सुना। अच्छा ऐसा है? एक 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 लहू मुँह लग गया। अरे ये फर्स्ट फट है या फिर फर्स्ट है बॉबी डार्लिंग? अरे दादा करके फाइव मत करो ना। ये भाभी जी नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, मुझे डांस सीखना है। डांस सीखना है तो यू नो डांस सीखने के लिए आपको हमारे ग्रैंड मास्टर का आशीर्वाद तो चाहिए ही होगा, तो जाइए जाइए आशीर्वाद लेकर आइए बुजुर्गों का। जाइए आप भी, वो बेस्ट आइडिया है। ये क्या हो गया? क्या बात क्या बात क्या बात! अरे ये तो इन्होंने ग्रैंड मास्टर का भी अंदाज नहीं लिया। लेकर जाओ लेकर जाओ। मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं डांस नहीं सीख पाऊंगा, और दादा जैसा डांस करना तो जिंदगी भर इम्पॉसिबल। लेकिन एक बात आपको भी हम बता देना चाहते हैं, हम तो शो के जरिए इस मंच से खुशियां बांटते हैं, लेकिन आप तो औरों का गम अपना लेते हो, और ये काम कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी तरफ से आपको जोरदार ताली हो जाए भदे जी के लिए, जिसे आप मिल सकते हैं बिना अपॉइंटमेंट के शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। और इनका शो खत्म होने के बाद अपना ही शो आता है बॉस, तो वो भी जरूर देखने का। जानते हैं कि वो कौन है डांसिंग स्टार जिसने जीता है मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मर ऑफ द वीक का खिताब, और जो डायरेक्टली बेहतरीन 12 में शामिल होंगी। और वो डांसिंग स्टार का नाम है सुनिकेता। कॉन्ग्रेचुलेशन सुनिकेता, आप है मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मर ऑफ द वीक, और आपको मिलता है मारुति सुजुकी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर्स। ये हमारी पहली बेहतरीन 12 की डांसिंग स्टार, जोरदार ताली हो जाए। तो वो डांसिंग स्टार जिसे आज ग्रैंड मास्टर के फैसले के मुताबिक ये मंच छोड़कर जाना होगा, वो है ऋषिका। और डांस के सबसे बड़े मंच पर आपका सफर सिर्फ यहीं तक था। बढ़ते हैं आगे, इस बार एक लड़की नहीं बल्कि दो लड़कियां यहां से जाएंगी। तो वो दूसरी डांसिंग स्टार वो है मीरा। हर गुजरते हफ्ते के साथ बढ़ता जा रहा है कंपटीशन का लेवल। डांस के सबसे बड़े मंच के बढ़ते हुए तेवर लिए मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक इंडिया कीप डांसिंग।